रिजल्ट को जारी कर दिया गया है। मात्र एक सेकंड में आप लोग रिजल्ट चेक कर सकते हैं सभी स्टूडेंट्स। जेई मेंस का रिजल्ट जारी कर दिया गया है सेशन टू वाला, ठीक है। सेशन टू का रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया है, लिंक भी पूरी तरह से एक्टिव कर दिया गया है। रिजल्ट अगर किसी छात्र का, मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि रिजल्ट चेक करते हैं और रिजल्ट पेंडिंग में चला जाता है, तो अगर आपका रिजल्ट पेंडिंग में चला गया होगा तो उसके लिए आपको क्या करना है इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। वीडियो के साथ बने रहिएगा, सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। और चैनल न्यूज जरूर तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह से न्यूज रिलेटेड अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देर न करते हुए लेट्स बिगिन। सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन का गूगल ओपन कर लें। यदि अगर आप इस वीडियो को लैपटॉप या कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हो तो डोंट वरी दोस्तों, आप लोग लैपटॉप कंप्यूटर का गूगल ओपन कर लो, ठीक है। अगर आपके फोन में गूगल नहीं है तो क्रोम ब्राउजर भी ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो गूगल पर सर्च करना है आपको दोस्तों टारगेट कोर्स। यहां पर देखिए लिखना है टारगेट कोर्स, टी ए आर जी ई टी सी ओ यू आर एस ई, लिखकर आपको सर्च कर देना है टारगेट कोर्स, ठीक है। जैसे आप लिखकर सर्च करोगे आपके सामने सबसे पहले फर्स्ट पेज पर ही आपको देखने को मिल जाएगा। आपको इसी वाले फर्स्ट पेज पर क्लिक करना है टारगेट कोर्स का, ठीक है। आपके लिए बताना चाहूँगा कि आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, लिंक पर भी क्लिक करोगे तो डायरेक्ट यहाँ पर आ जाओगे, ठीक है। तो आपको फर्स्ट वाले पेज पर ही आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा जो कुछ इस प्रकार का होगा। अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि जेई मेंस यहाँ पर देख सकते हैं लेटेस्ट अपडेट, यहां पर देख सकते हैं लेटेस्ट अपडेट का यहां पर आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिलेगा। और यहां पर आप लोगों को जेई मेंस सेशन टू वाला रिजल्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसी पर आपको क्लिक कर देना है रिजल्ट चेक करने के लिए, ठीक है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा जो कुछ इस प्रकार का ओपन होगा, देखते रहिए। यहां पर देख सकते हैं ओपन हो चुका है। अब यहां पर मेरे को क्या करना है, नीचे कर लेना है, थोड़ा सा और नीचे आ जाना है। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी स्टूडेंट्स का जिनका अगर रिजल्ट पेंडिंग में चला जाता है तो यहाँ पर सारे आर्टिकल्स के बारे में बताया गया है कैसे आपको रिजल्ट पेंडिंग का सुधार करवाना है, क्योंकि पेंडिंग तब जाता है जब किसी प्रकार की आपकी गलती होती है, ठीक है, वरना ऐसे रिजल्ट पेंडिंग में नहीं जाता है। तो देखिए रिजल्ट को कैसे चेक करना है आज के इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर डाउनलोड रिजल्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, दो दो लिंक प्रोवाइड कराया गया है, क्लिक हियर और सर्वर टू, दोनों में से किसी पर भी क्लिक करके रिजल्ट को आसानी से एक क्लिक में चेक कर सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स आसानी से यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर बात करेंगे इंटीमेशन स्लिप, एडमिट कार्ड, यहाँ पर सारे अपडेट्स दिए गए हैं, आप लोग यहाँ पर जो भी चाहे वो डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ पर रिजल्ट अपना चेक कर लीजिए सभी स्टूडेंट्स। अगर किसी स्टूडेंट्स का रिजल्ट पेंडिंग में चला गया होगा तो आप नीचे मैसेज करके जरूर बताएं। और धीरे धीरे यहां पर मैं बताना चाहूंगा रिजल्ट को चेक कैसे करना है, तो यहां पर सारे आर्टिकल्स में बताए गए हैं, यहां पर आर्टिकल्स पढ़कर आप लोग जो है रिजल्ट को चेक कर सकते हैं, ठीक है, सारे यहां पर अपडेट्स बताए गए हैं, ओके। आप यहां पर एक जानकारी और देना चाहूंगा सब स्टूडेंट्स को कि रिजल्ट चेक करने, रिजल्ट जब आप लोग चेक करिएगा तो उसे डाउनलोड कर लीजिएगा या प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, और उसमें यहां पर अपना नाम, पेरेंट्स का नाम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और अपना स्टेट कोड, एलिजिबिलिटी, क्लास, कैटेगरी, नेक्स्ट, जी हाँ दोस्तों ये सब्जेक्ट वाइज एनटीए स्कोर्स, टोटल एनटीए स्कोर्स, ये सब मिलान कर लीजिएगा, क्योंकि अगर किसी भी तरह की गलती है तो उसको सुधार करवाना कैसे हो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, कि आने वाली सबसे पहले नोटिफिकेशन की जानकारी आपको मिले। चलिए धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद, जय वंदे मातरम।